जम्मू के मशहूर क्लासिकल डांसर दीपक दत्ता ने दिल्ली रत्न अवार्ड लेकर जम्मू का नाम रोशन किया है। दिल्ली के नटराज क्लब के नृत्य कार्यक्रम में जब दीपक दत्ता ने क्लासिकल नृत्य पेश किया तब सभी दर्शकों ने तालियां बजाकर इनके नृत्य की प्रशंसा की। साथ ही जजों ने भी स्टेज पर पहुंचकर दीपक दत्ता को ढेरों शाबाशी दी। जब ये स्टेज पे आए थे तो आई एम श्योर हम सबके मन में एक सवाल आया होगा, क्लासिकल डांसर आदमी, ये कैसे पॉसिबल है? किस किस के मन में ये सवाल आया था? मेरे मन में आया था, आई एम श्योर बहुत लोगों ने सोचा होगा। बट बिलीव मी, एज द डांस प्रोग्रेस, जिस तरह से इन्होंने नाचा उस तरह से हमारा मन भी नाचा। आई थिंक इट्स नॉट ईजी टू गेट वो जो एलिगेंस, वो जो अदा होती है नृत्य में, सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज अदा होती है और वो इनके डांस में है। और जलान सर प्रॉमिस कर रहे हैं जब भी फिल्म बनाएंगे तो एक डांस दीपक जरूर करेंगे। बस दिल्ली रत्न अवार्ड लेने वाले नृत्य श्री दीपक दत्ता ने हमारी टीम से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की कई इंसिडेंट्स शेयर किए। एक्चुअली 2016 से शुरू करते हैं, मेरा वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ था और मई में मैं एज अ विनर डिक्लेयर हुआ था कन्नड़ा साहित्य परिषद बेंगलुरु में। तो उसके बाद मुझे दिल्ली से ऑफ़र आया था नटराज आर्ट एकेडमी, जो मानी हुई अकेडमीज़ में से एक है, तो वहाँ पे ट्रायल देने के लिए बुलाया गया था। तो फॉर्चुनेटली आई गॉट सेलेक्टेड फॉर नटराज रत्न अवार्ड। तो दिल्ली रत्न अवार्ड तो मेरे लिए काफ़ी दूर की बात थी कि बिकॉज दूसरी स्टेट का है और यू नो, एक देश का प्रमुख माना जाता है। तो इस बार बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो भी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो इस बार मुझे दिल्ली रत्न अवार्ड जो है सम्मान मिला है मुझे। शुरुआत में मैं घर में तो ऐसे ही टीवी देख के या म्यूज़िक पे नाचना शुरू कर देता था, लेकिन बाद में इस चीज़ को मैंने एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट किया और मेरे गुरुजी हैं पंडित नारायण प्रसाद, जो जम्मू के क्या देश के प्रमुख माने हुए शास्त्रीय नृतकों में से एक। दरअसल दीपक जम्मू के ही निवासी हैं और क्लासिकल डांस की शुरुआत इन्होंने जम्मू से ही की है। अब ऐसे में क्लासिकल डांसर वो भी एक मेल, ये सोचकर सब हैरान हो जाते हैं, जिसे दीपक भी समाज में रहते हुए एक चुनौती से कम नहीं मानते, लेकिन दीपक के हौसले आज भी बुलंद हैं। मेरे लिए तो डबल स्ट्रगल इसलिए थी कि एक तो क्लासिकल परफॉर्मर, दूसरा मेल कम्युनिटी, बिकॉज इस लाइन में फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और मेरे लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग था, बट बाय द ग्रेस ऑफ पेरेंट्स एंड लॉर्ड नटराज आई हैव डिड इट। अनुभव में खट्टापन या कड़वाहट ना हो तो आपको मीठेपन का एहसास कभी हो नहीं सकता, तो मैंने उसको भी एक एज अ चैलेंज की तरह ही एक्सेप्ट लिया, क्योंकि अगर 10 में से अगर आपके बारे में 2 तारीफ़ करते हैं तो जाहिर है कि 8 लोग अगर आपके बारे में बुरा बोलते हैं, तो हमें खुद को इम्प्रूव करने में या रेनोवेट करने में या अपडेट करने में ज़्यादा एक मदद मिल जाती है। गौरतलब है दिल्ली रत्न अवार्ड मिलने के बाद दीपक को बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे हैं। क्लासिकल डांसर दीपक दत्ता ने देश विदेश में जम्मू का नाम रोशन किया है, ये जम्मू कश्मीर के लिए कितनी गर्व की बात है। दीपक अपने मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ते रहें और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते रहें, ये कामना जम्मू कश्मीर के साथ साथ वक्त इंडिया की टीम भी करती है। ब्यूरो डेस्क, वक्त इंडिया।